नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वृषभ राशि के संपूर्ण जीवन के बारे में। आपको वृषभ राशि वालों का जीवन कैसा होता है, कैसे वृषभ राशि वाले होते हैं, धन की स्थिति वृषभ राशि वालों पर कैसी होती है, दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी होती है, सुखों की स्थिति कैसी होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए वृषभ राशि वालों की स्थिति कैसी, संतान संबंध में वृषभ राशि वाले कैसे होते हैं, भाग्य की स्थिति कैसी रहती है, कौन से वर्ष में भाग्य सफलता इनको मिल पाती है, आर्थिक धन की स्थिति, संपूर्ण जीवन के बारे में आपको मैं वृषभ राशि वालों के बारे में बता रहा हूँ। कैसे होते हैं वृषभ राशि वालों की कमियाँ क्या होती हैं, कौन सी कमियाँ दूर करनी चाहिए वृषभ राशि वालों को, क्या उपाय करने चाहिए वृषभ राशि वालों को, इन सभी विषयों पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं शुक्र ग्रह होते हैं। ये राशि जो है स्थिर राशि है, दो नंबर की राशि है, धन की राशि जो है वृषभ राशि ही होती है, क्योंकि इनका जो चिन्ह होता है वो बैल होता है, और बैल जो समृद्धि का चिन्ह है, यानी कि समृद्धि को दिखाता है, वैभवता को दिखाता है, धन को दिखाता है, क्योंकि एक बैल ही ऐसा है जो खेत को जोत करके अन्न धन को बढ़ाता है, और उस अन्न धन से मानव के पूर्तियां होती है, तो यानी कि वैभवता समृद्धि की राशि है, लक्ष्मी प्राप्ति की राशि है, सबसे ज्यादा धनवान लोग वृषभ राशि वाले होते हैं। और ये इनके जो स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह जो हैं जल तत्व ग्रह हैं, यानी कि ये लोग करुणावान होते हैं, यानी ये दयावान करुणावान, इनसे कोई प्यार से प्रेम से इनसे कोई मदद मांग ले तो ये अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। और पृथ्वी तत्व राशि वृषभ राशि है, यानी धैर्यवान भी बहुत है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में कुछ भी काम कर दिया, ये जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, दिखने के लिए बहुत ही सुंदर होते हैं वृषभ राशि वाले, वाणी के धनी होते हैं, इनकी वाणी में जादू होता है, इनके चेहरे पे जादू होता है, सुंदर दिखने के लिए होते हैं वृषभ राशि वाले, इनके तेज से लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं, इनका ऑरा बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वृषभ राशि वाले प्रेम से, वृषभ राशि वालों का कुछ भी काम वृषभ राशि वालों से करवा लो, प्रेम से प्यार से ही काम कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इनको गुस्सा दिखाएं और कोई जिद में इनसे कोई काम करें तो ये पहले तो काम नहीं करेंगे, अड़ जाएंगे, अगर करेंगे भी उस काम को तो उस काम को खराब कर देंगे गुस्से में, क्योंकि इनको तब कुछ नहीं दिखता आगे, जब इनको गुस्सा इतना आ जाता है इनको इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो वृषभ राशि वाली बहुत प्यारी राशि है, प्रेम के शौकीन होते हैं, भोग विलासिता के शौकीन होते हैं, लग्जरी लाइफ इनको पसंद होती है, वस्त्र सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना इनको पसंद होता है, ये जो चीज भी अगर इनको चाहिए होगी तो वो कहीं भी होगी उसको ढूंढते हैं ये, जब तक वो चीज़ नहीं मिली इनको तब तक वो मेहनत करते रहते हैं, जब तक इनके दिल की इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक ये मेहनत करते रहते हैं, और जब इनको वो चीज़ मिल जाए तब इनको आनंद प्राप्त होता है, चाहे वस्त्र को लेकर के हैं, चाहे किसी सामग्री को लेकर के हैं, ये स्वाद को लेकर के हैं, स्वाद के बहुत शौकीन होते हैं, खाने पाने पीने के ये बहुत शौकीन होते हैं, इनको काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और भोजन जो करते हैं बहुत आराम से करते हैं, बहुत स्वाद के साथ करते हैं, और कपड़े तो इनको ऐसे चाहिए अगर दो जोड़ी कपड़े भी हों लेकिन सुंदर होने चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए, कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो वृषभ राशि वालों के अंदर बहुत सारे गुण हैं। वृषभ राशि वालों की वाणी बहुत ज्यादा मीठी होती है, यानी बहुत प्यार से बोलते हैं, और धन के संबंध में अगर अपना धन बढ़ाना हो इनको धन के लिए ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, धन को कैसा सही तरह से रखना है, धन का किस तरह से प्रयोग करना है, स्थिर लक्ष्मी का, यानी कि एक होता है लक्ष्मी कमा करके रखना
और एक स्थिर लक्ष्य, अगर इनके पास बहुत सारा धन रखा हुआ है उस धन को सही तरह से रखने में ये निपुण होते हैं और सही तरह से उस धन को लगाने में भी निपुण होते हैं। परिवार संबंध में, कुटुंब परिवार संबंध में, कुटुंब परिवार से अधिक प्रेम करने वाले होते हैं, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करते हैं। ऐसे नहीं होते हैं कि परिवार को छोड़ के कहीं और चले जाएं, ऐसे नहीं, परिवार के लिए तन मन धन से ये परिवार का सहयोग करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक ये कमी होती है कि ये कोई भी काम अकेला नहीं कर पाते हैं, इनको एक सहयोगी चाहिए होता है। बचपन में भी जब छोटे रहते हैं ये, अगर इनको पढ़ना लिखना है तो कोई इनको बताने वाला हो, इनको पढ़ाई लिखाने करने वाला हो, यानी इनको कोई बताने वाला होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, इनका सहयोगी होता है। हर उम्र में इनको एक सहयोगी चाहिए होता है, बिना सहयोगी का कोई काम नहीं करते हैं। और प्रेम के संबंध में इनको बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है, क्योंकि इनकी चाह, प्रेम की चाह बहुत होती है, अथाह समुद्र होता है इनका प्रेम, तो इनको प्रेम में धोखा भी बहुत मिलता है, क्योंकि ये इनका जो परिश्रम है, इनकी जो मेहनत है, ये लंबे समय तक अपने आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इनको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनको काम कराए, इनके काम में निगरानी रखे कि आपने ये करना है, इनको कोई काम दे दे, आपने इतना काम करना है, प्यार से कराए। इनके मित्र भी लंबे टाइम तक इनका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि ये अगर किसी बात से उनके साथ इनकी अनबन हो गई वृषभ राशि वालों की, तो ये उनको उनके साथ शत्रुता बहुत जल्दी मोल लेते हैं। छोटी बात में खटपट हो गई तो ये मित्रता छोड़ देते हैं, लंबे समय तक परिश्रम भी नहीं कर पाते, करते तब करते हैं परिश्रम जब इनको कराने वाला हो। इनकी सुखों की स्थिति ये होती है, सुख के बहुत शौकीन होते हैं, यानी कि इनको बहुत सुख चाहिए होता है, अगर थोड़ा भी अगर ये कमाएं, इनको आनंद के साथ सुख चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि चलते चलते ये खाना खाएं, चलते चलते ये कुछ काम करें, नहीं, इनको आराम से काम चाहिए होता है, इनको भोग विलासिता का शौकीन भी होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ इनको आराम से चाहिए होता है, सुकून के साथ ये करना चाहते हैं। इनको प्रॉपर्टी संबंध में, भूमि भवन संबंध में, वाहन संबंध में, हर एक चीज़ इनको अथाह चाहिए, यानी कि अगर गाड़ियाँ भी चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियाँ इनको चाहिए, अगर इनके पास मकान है तो उस मकान से संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक ये दूसरा कुछ नया सुंदर और मकान देख लेंगे, तो फिर उसकी प्रति इनको प्रेम बढ़ जाए कि मुझे दूसरा मकान खरीदना है। तो स्थिरता मकान के प्रति या भूमि भवन प्रॉपर्टी के प्रति इनकी नहीं रहती है, इनके सुख निरंतर बढ़ते रहते हैं, इनकी इच्छाएं बहुत लंबी होती हैं। अध्ययन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, पढ़ाई लिखाई में इनकी बहुत सार्थक बुद्धि होती है, इनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आते हैं जो इनको, इनकी बुद्धि को बलवान बनाते हैं, लेकिन उस ज्ञान का सही सदुपयोग ये कर नहीं पाते, अकेले मैंने कहा ना ये काम कुछ नहीं कर पाते, बहुत ज्ञानी होंगे लेकिन उस ज्ञान को बता नहीं पाएंगे, दिखा नहीं पाएंगे, दिमाग के अंदर बहुत बुद्धि है लेकिन उसको वो प्रकट नहीं कर पाते। जब तक इनका कोई अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र इनको सहयोग न करे, हेल्प न करे, इनकी विल पावर न बढ़ाए, तो उस काम को ये कर नहीं पाते। और संतान के लिए, संतान सुख भी इतना इनको नहीं होता, संतान सुख के प्रति ये बहुत चिंता रहती है इनको, संतान सुख, संतान के प्रति चिंता रहती है, संतान की कमियां इनकी इनकी रहती है और संतान को लेकर चिंता बहुत करते हैं। और कर्जा संबंध में, ये पैसा कर्जा लेना बहुत पसंद करते हैं ये, और लंबे समय तक अपने ऊपर कर्जा भी नहीं रखते हैं, पैसा लेते हैं और देते हैं, पैसा लेते हैं और देते हैं। और शत्रुता, शत्रुता आ अगर सामने वाला इनके मान ले कि उससे गलती हो जाए और वो करुणा से इनसे बात कर ले कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, तो इसको उसको माफ़ भी कर देते हैं।
और विदेश जाने के, घूमने के, यात्राएं करने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका सुखमय होता है, लेकिन इनको अंदर से एहसास होता है कि जो मेरी लाइफ पार्टनर है वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बारे में ये किसी को बताते नहीं। अपने मित्र की कमियां नहीं बताते, लाइफ पार्टनर की कमियां किसी को नहीं बताते। चाहे उससे परेशान भी होंगे, लेकिन उसके लाइफ पार्टनर के बारे में ये कमियां किसी को नहीं बताते हैं। लाइफ पार्टनर के भाव में वृश्चिक राशि होने से ये गुप्त रहते हैं और व्यापार संबंध में भी गुप्त रहते हैं। अपनी व्यापार की रणनीतियां ये बहुत कम ही बताते हैं किसी को कि इन्होंने व्यापार संबंध में क्या चेंज किया है, क्या नया जोड़ा है। इस भाव में वृश्चिक राशि होने से ये गुप्त रहते हैं, और जो इनका प्रेमी होता है उसके बारे में भी कुछ नोक झोंक नहीं करते हैं, उसके बारे में किसी को उसकी काट नहीं करते हैं, जो इनको अधिक प्रेम हो, प्रेम जिसके करते होंगे। और अष्टम भाव में धनु राशि बनने से ये गुप्त विद्याओं के लिए या साधन के लिए या आयु के लिए या स्वास्थ्य को लेकर के, इनको धातु संबंध रोग होते हैं, यानी कि वीर्य संबंध रोग भी होते हैं और खून रक्त विकार संबंध रोग भी होते हैं इनको। और जो चीज होगी ये एकदम सामने बोल देंगे। अंदर अगर इनकी आग भड़क गई, इनके अंदर गुस्सा आ गया तो एकदम बोल देंगे ये। तो इनके अंदर ये चीजें भी बहुत होती हैं। साधनाएं उपाय, अगर ये देव गुरु बृहस्पति नारायण की सेवा करें, माँ भगवती की सेवा करें शुक्रवार के दिन, और भगवान सूर्य को जल देने दिया, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। और भाग्य का साथ, 35 साल के बाद ही इनका भाग्य बहुत अच्छा हो पाता। सफलता जो मिलती है इनको 35, 36, 37, 38 साल के बाद ही मिल पाती है, क्योंकि इनके भाग्य में शनि का अंक यानी 10 अंक होने से भाग्य लेट मिलता है, और शुक्र स्वामी होने के कारण भी 35 साल 32 साल के बाद ही भाग्य का पूर्ण सहयोग मिल पाता है। पैतृक संपदा, जब ये मेहनत करते हैं पैतृक संपदा का सुख ये उठाते हैं। पिता इनसे बहुत प्रेम करते हैं, पिता को अधिक प्रेम करते हैं। और कर्म कार्यस्थल पर ये बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। अगर कहीं ये वर्क करते हैं या कहीं ये काम करते हैं वृषभ राशि वाले, तो अगर इनका जो बॉस है अगर वो प्यार से इनके साथ रहे तो उसके उसको ये सब कुछ दे देते हैं, माने उसके सारे काम कर देते हैं, जितने भी वो काम दे इनको, और बड़े प्यार से ये उस काम को कर देते हैं। और कुंभ यानी घड़ा, कार्य क्षमता इनके अंदर, कार्य को करने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये एक बार में कई कार्य कर सकते हैं। और धन संपदा की बात करें, लाभ की बात करें, इनकी लाभ इनको बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। लक्ष्मी इनको बहुत प्राप्त होती है, लक्ष्मी की इनके ऊपर कृपा होती है, काम इनके पास बहुत ज्यादा होता है। मीन राशि को ये बहुत पसंद करते हैं, सिंह राशि को ये बहुत पसंद करते हैं, कर्क राशि को ये बहुत पसंद करते हैं, तुला राशि को बहुत पसंद करते हैं, कन्या राशि को भी बहुत पसंद करते हैं, और मिथुन राशि को भी बहुत पसंद करते हैं ये, और शनि की कुंभ राशि को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वृषभ राशि वाले। इनके मित्र अगर ये हों तो इनसे इनकी बहुत ज्यादा बनती है। खर्च संबंध में, खर्च ये सोच समझ के करते हैं, लेकिन इनके पास धन रुकता नहीं है, धन इनके पास बहता रहता है। जैसे पानी बहता है ऐसा धन इनका बहता रहता है। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं धन को रोकने के लिए, लेकिन ये धन को रोक नहीं सकते, क्योंकि धन को आने की गति भी इनके पास बहुत तेजी से रहती है और जाने की गति भी इनके पास बहुत तेजी से रहती है। शुक्र से प्रभावित राशि है वृषभ राशि, और वृषभ राशि को मैंने उपाय बता दिए। भगवती की उपासना करनी चाहिए, देवी की जितनी ज्यादा उपासना हो वो करनी चाहिए, बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, लक्ष्मीनारायण भगवान जी की उपासना करनी चाहिए, सूर्य की उपासना करनी चाहिए,
संतान सुख की कमी को पूर्ण करने के लिए उनको गणेश भगवान जी की उपासना बुधवार को करनी चाहिए, और प्रेम के सुख को प्राप्त करने के लिए अगर ये चाहते हैं इनका प्रेम बहुत अच्छा हो किसी के साथ, इनकी लंबी टाइम तक किसी के साथ बने, तो इनको पूर्णमासी के व्रत और साथ में गुप्त रहना चाहिए। जब इनकी कला है कुछ बात बताते हैं, गुप्त रहें और पूर्णमासी के व्रत करें तो इनको लाभ प्राप्त होगा, या एकादशी के व्रत करें लाभ प्राप्त होगा। भाग्य तो संभलता इनको 36 साल के बाद ही मिल पाती है, और कभी भी हो अगर ये चाहते हैं कि मैं अकेला कोई काम नहीं कर पाता हूं, मुझे हमेशा पार्टनर की जरूरत होती है, मेरी सबसे बड़ी यही कमी है, तो ये गले में कोई भी चीज है, दो चंद्रमा डाल दें, दो जोड़ी यानी सूरज की डाल दें, या दो जोड़ी गोमती चक्र पहन लें, या दो जोड़ी ओपल पहन लें गले में, हर एक चीज को ये दो जोड़ी में अगर धारण करेंगे तो इनकी सफलता इनको मिलेगी, आत्मविश्वास इनका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हर एक काम को ये पूर्ण करके ही दम लेंगे। प्रिय दर्शकों, मैंने बताया आज आपको वृषभ राशि के बारे में, कैसे होते हैं वृषभ राशि वाले। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, जय माता।